नाइलोन कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है बच्चों, और ये दो टाइप का होता है, एक डबल सिक्स होता है और एक सिंगल सिक्स होता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में जिक्र करेंगे बच्चों। लिखा जाए नाइलोन, नाइलोन सिक्स सिक्स एंड नाइलोन सिक्स, ये दोनों जो है बच्चों पॉलीएमाइड, पॉली एमाइड, पॉली मीन्स मेनी, एमाइड मीन्स एमाइड है ना जिसमें। और ये दोनों एग्जाम्पल जो है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और कंडेंसेशन पॉलीमर किसको कहेंगे, जिसमें टू डिफरेंट, टू डिफरेंट मोनोमर्स हो, टू डिफरेंट मोनोमर्स हो। कहता है लॉस ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स, जिसमें सिंपल मोलिक्यूल्स को लॉस करता हो रिएक्शन के बाद, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया। तीसरा पॉलीफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स होना चाहिए, वैसा मोनोमर्स जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, मोनोमर्स। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं नायलोन, नायलोन सिक्स सिक्स, इसको बनाना कैसे है। तो कहता है कि एक जो है हेक्सामिथाइलिनेमिन डायमिन लेंगे और दूसरा एडीपी के सीड, दोनों को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हीट करेंगे, यानी H2N CH2 का होल सिक्स NH2। ये जो है बच्चों हेक्सामिथाइलिन डायमीन है और दूसरा है HOOCCH2 का होल फोर, COOH। ये दोनों को मिलाएंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे, हाई, हाई टेम्परेचर 573 केल्विन एंड प्रेशर, ये दोनों हाई होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। कैसे करेगा, यहां से एच ले लीजिए और यहां से ओ एच, एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, यहां से एच ले लीजिए और यहां से ओ एच, यानी यहां करेंगे NH2 है ना। इसके बाद बाकी जो है बच्चों जोड़ दीजिए, यानी यहां बच गया HNCH2 का होल सिक्स, और यहां क्या बच जाएगा NH, और यहां बच जाएगा CO, और उसके बाद CH2 का होल फोर, और उसके बाद बच जाएगा CO, यहां डैश देंगे एन कर दीजिए यहां भी, और इसको लिख दीजिए नाइलोन सिक्स सिक्स। अब कहता है, यहां नोट कीजिएगा बच्चों, इट इज ए फाइबर फॉर्मिंग, फॉर्मिंग सॉलिड, ए फाइबर जो है सॉलिड बनाने वाला फाइबर है ना, सॉलिड बनाने वाला फाइबर। दूसरा इट पॉसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो है तन्यता ताकत जो है बच्चों उच्च होता है ना। अस्ट्रॉन्ग, अस्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर,
इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहता है इसमें जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेट ब्रिसल फॉर ब्रश। कहता है कि ब्रश जो रगड़ते हैं उसके ऊपर जो होता है वो इसी नाइलॉन 66 का बना होता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। स्पेलिंग में बच्चों थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। बी आर आई एस टी एल ई होता है, बी आर यू एस एच है ना, ब्रिसल्स। अब है बच्चों नायलोन सिक्स, इसके लिए क्या करना होगा, कैप्रोलैक्टम को लेना होगा। और कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है बच्चों इस प्रकार से, है ना। सब का फॉर्मूला याद रखेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। CH2, 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 बाकी तो जो है बच्चों आसान है ना। इसको क्या करना है, वाटर के साथ हीट करना है हाई टेम्परेचर, यानी 533 केल्विन टू 553 केल्विन पर टेम्परेचर देना है, यानी हाई टेम्परेचर। अब ये क्या होगा कि ये जो है सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, CO CH2 गिन लीजिए, कई वो CH2 है 1 2 3 4 5, यानी होल 5, लास्ट में क्या है NH, इसको चेन बढ़ा दीजिए N कर दीजिए, है ना। यही हो गया नायलोन 6। इसका यूज कहां करेंगे, तो यहां लिखते हैं इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोर्ड रोप्स एंड फैब्रिक। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास कीजिए इसी के साथ बच्चों। धन्यवाद।